टिकैत साहब, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुने हैं क्या? किसानों की बात होगी लेकिन एक फील सिर्फ गांव का लेने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुने हैं क्या? ये आज ही सुना हमने, तो ये नई करेंसी आओगी कोई देश में। अच्छा अभी ना सुन, सिर्फ वो डिजिटल उससे चलेगी आप आपस में ही। वो मोबाइल टू मोबाइल चलेगी आपस में, लेन देन होगा उसका। टिकैत साहब, आपसे छोड़ के सिद्धार्थ से मैंने बात की और देखिए हरा हरा हो गया पूरा मामला। क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, बाजार का खेल। जल्दी से टिकैत साहब आपके पास आते हुए, टिकैत जी एक सीरियस नोट पे देखिए, इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर मत लीजिएगा, लेकिन किसान और किसान नेताओं ने देश में बीते दिनों मुद्दा उठाया भी है किसानों का, लेकिन इसी के साथ वो टेलीविजन स्पेस लेकर अपने एक लेवल पे रहते हैं। दूसरी तरफ क्या सरकार की ये कोशिश है कि वो छोटे किसानों तक पहुंचे? क्योंकि अगर डायरेक्ट बेनिफिट वो देंगे, आप 10,000 कह रहे हैं कि फर्जी है, लेकिन 10,000 लोगों में तो मान लीजिए 2.37 लाख करोड़ रुपया उतने में तो नहीं बटेगा, किसानों तक तो पहुंचेगा ना। इससे पहले भी किसान सम्मान निधि, और माना गया था कि पिछले चुनाव में जो यूपी में या फिर ऑल इंडिया भी बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसमें किसानों के पास सीधा पैसा आना एक बड़ा फैक्टर रहा। क्यों गुमराह कर रहे हैं किसानों को? फसलों के दाम तो दे नहीं रहे। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या छोटे किसानों तक पहुंचने की सरकार की ये कोशिश है? क्योंकि ये चुनावी साल भी है, इसीलिए बजट इतना एलोकेट किया गया है। आप देखिए ना, 10 को पहली वोटिंग होनी है सर। राकेश, हम ये कह रहे हैं कि देश में छोटा ही तो किसान है, बड़ा किसान है कहाँ? आप बड़ा किसान किसको कहते हैं और छोटा किसको कहते हैं? भाई देश में तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ये छोटा ही तो किसान है, यहाँ पे बड़ा कहाँ है? भाई बड़ा किसान तो कंपनी तो हो सकती है, यहाँ किसान तो कोई बड़ा है नहीं, यहाँ तो छोटे किसान की बात होती है। यहाँ तो किसानों की भी बात होती है, जो भूमिहीन किसान जिसको कहते हैं, बड़े किसान होते हैं, व्यापार करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूर शहरों में हैं। जी जी सर, आपने कहा मजदूर हैं, वो भी किसान हैं। ऐसे बड़े किसान हैं ना जिनकी खेतों में ऐसे मजदूर काम करते हैं, जिनके खेतों में वो अपना श्रम अपना पसीना बहाते हैं, ऐसे हैं ना बड़े किसान जिनके पास जमीन है, जिनके पास तमाम। पहले मजदूर की आप परिभाषा, पहले मजदूर की परिभाषा समझ लो। मजदूर और किसान तो एक जगह रहता है गांव में, मजदूर और किसान तो एक जगह गांव में रहता है दोनों। वो तो किसान के वहां पे काम करता है, छोटे बड़े किसान के वहां पे नहीं करता काम। खेती कर रहा है इससे तय होता है ना बड़ा किसान छोटा किसान। जो गांव में किसान कहां है, आप जाके पहले उसका डाटा निकाल लो कि बड़ा किसान कितना है। यहाँ पे सीलिंग एक्ट है और सीलिंग एक्ट में 12.5 एकड़ जमीन है, 12.5 एकड़ जमीन एक नाम पे पिता के नाम पर तो हो सकती है, लेकिन जो उनके बच्चे हो गए उनके नाम पे 12.5 एकड़ जमीन नहीं है। आप किसी के भी अगर कोई ट्रैक्टर से खेती कर रहा है वो ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, वो बड़ा किसान नहीं, उसको आप मान सकते किसी को बड़ा किसान है ही नहीं। यहाँ पे तो सीलिंग एक्ट है, यहाँ पे ये गलत धारणाएं देश में फैलाई जा रही के हम तो छोटे किसान का कर रहे थे, बड़ा किसान मतलब आंदोलनकारी को बड़ा किसान मानते हैं और छोटे किसान है सब। ये छोटा किसान ही आंदोलन करता है, आप उसकी जांच वो करो एक बार कि उस पर कितनी जमीन है, कहां वो आंदोलन कर रहा है। आंदोलन में कोई बड़ा किसान नहीं आता। ठीक।